SMB Build Mart Solutions, मजबूत इमारत के साथ मजबूत इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ड्यूरेबल सैनिटरी पाइप्स और ब्रांडेड बाथ फिटिंग भी जरूरी है। क्रॉम्पटन के पंखे और गीजर, GM के स्विचेस और लाइट फिटिंग और कजारिया की बाथ फिटिंग होलसेल और रिटेल रेट्स पर उपलब्ध। SMB Build Mart Solutions, दिल्ली गेट पुलिस कंट्रोल रूम के पास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एम के जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एम के जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरण मगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। शराब के नशे में माताजी मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ने का आरोपी गिरफ्तार। स्नातक डिग्रीधारी ने बेरोजगार होने के चलते शराब पीकर दिया वारदात को अंजाम। राजसमंद जिला आबकारी अधिकारी और पसुंद सरपंच हुए आमने सामने, शराबबंदी को लेकर एक दूसरे पर लगाए आरोप। और हिंदुवादी नेता उपदेश राणा उदयपुर न्यायालय में पेश। 2017 में हाथीपुल थाने में दर्ज मामले के साथ पासपोर्ट रिन्यूअल की लगाई अर्जी। उदयपुर के धराल माता मंदिर में मूर्तियों से तोड़फोड़ करते हुए उनमें और आग लगाने वाले एक आरोपी को गोवर्धन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ग्रेजुएट है और काफी समय से बेरोजगार होने के चलते उसने काफी मात्रा में शराब पीकर नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने भेरूलाल पिता शंकर वडेरा निवासी वलीफला खजूरी को मूर्तियां खंडित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता लगा कि आरोपी ने BCOM तक पढ़ाई की है। पढ़ाई के बाद रोजगार नहीं मिला और आर्थिक रूप से काफी परेशान रहने लगा। मंदिर में घटना को अंजाम देने से पहले उसने शराब पी थी, फिर मंदिर में रखे कपड़ों से आग लगा दी। थानाधिकारी प्रशिक्षु IPS निश्चय प्रसाद ने बताया कि प्रार्थी महेंद्र पिता कालाजी मीणा निवासी खजूरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि कुलदेवी धरल माता मंदिर में अज्ञात असामाजिक व्यक्तियों ने माताजी की 2 मूर्तियां तोड़ दी है। मंदिर के चारों तरफ लोहे की लगी रेलिंग तोड़ दी थी, साथ ही मंदिर में आग लगाकर फरार हो गए। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए खजूरी जाने वाले मार्ग पर आसपास CCTV कैमरे खंगाले गए। खजूरी बारापाल क्षेत्र में पूर्व में चालानशुदा और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस खजूरी वली फला निवासी भेरूलाल पिता शंकरलाल वडेरा तक पहुंची। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजसमंद जिला आबकारी अधिकारी और पसुंद सरपंच के आमने सामने होने का बड़ा मामला सामने आया है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए आमने सामने हो गए, जिसके चलते जिले में अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। सरपंच अयन जोशी ने राजसमंद जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी पर शराबबंदी अभियान को असफल करने का आरोप लगाया है। तो वहीं पूरे मामले पर जब जिला आबकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरपंच द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राजसमंद के पसुंद गांव में पूर्णतया शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सरपंच अयन जोशी के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि ग्राम पंचायत में पूर्णतया शराबबंदी हो, इसके चलते सरपंच के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने राजसमंद कलेक्टर डॉक्टर भवरलाल से मुलाकात करते हुए ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बताया गया कि आए दिन निर्मल ग्राम पंचायत पसुंद में शराब के कारण कई लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है। एक व्यक्ति शराब पीकर अपना जीवन तो बर्बाद कर ही देता है, पर वही ये नहीं सोचता कि उसके पीछे बेवजह उसका पूरा परिवार किस कदर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे में इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए ग्रामवासियों के पूर्ण सहमति से शराबबंदी की प्रक्रिया को शुरू करने का फैसला फिर से लिया गया, जिसके पश्चात विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए समस्त ग्रामवासियों ने एक तरफा हस्ताक्षर किए हैं। वहीं इस मामले में सरपंच का कहना है कि इस तरह के आरोप लगाकर जिला आबकारी अधिकारी जोशी राजसमंद उपखंड कार्यालय पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिन दस्तावेजों की वो बात कर रहे हैं यह दस्तावेज सत्य प्रतिलिपि करवाकर उपखंड कार्यालय से ली गई थी और उन्हीं पर ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि पूर्व में उपप्रधान सुरेश जोशी, समाजसेवी हितेश जोशी व सहकारी समिति के उपाध्यक्ष कैलाश गुर्जर
और वार्ड पंचों के नेतृत्व में करीब 1000 ग्रामवासियों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था और उस वक्त भी पूर्णतया शराबबंदी के लिए चुनाव करवाने का आग्रह किया गया था। सरपंच ने बताया कि जिसके बाद सर्वे के नाम पर आबकारी विभाग राजसमंद से 2 कार्मिकों को सिविल ड्रेस में पंचायत भेजा गया, जहां उन्होंने सर्वे के नाम पर ग्रामवासियों को डराया। दस्तावेज कूटरचित तब होते हैं जब उन दस्तावेजों को हमारे द्वारा घर में तैयार किया जाता है। जिन दस्तावेजों के बारे में जिला आबकारी अधिकारी बात कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट मैंने शराबबंदी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमारे उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा सत्य प्रतिलिपि करवा कर ली गई थी और सत्य प्रतिलिपि की हुई वोटर लिस्ट पर ही गाँव वालों ने अपने अपने कॉलम में साइन और अंगूठा लगाए गए थे। तो वह वोटर लिस्ट कूटरचित साबित करना मतलब सीधा सीधा सवाल एसडीएम पर उंगली उठाना हुआ जी। अगर किसी वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम 2 बार 3 बार 4 बार किसी कॉलम में आता है तो वोटर लिस्ट प्रशासन के द्वारा जारी की जाती है, ना कि हमारे द्वारा घर में तैयार की जाती है। तो वह सवाल प्रशासन से पूछा जाना उचित रहेगा। बिल्कुल इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए क्योंकि जिला आबकारी अधिकारी पिछले 1 साल से तो चुपचाप आनंद में बैठे हुए थे, अभी कल जैसे ही ज्ञापन दिया तभी उनमें इतनी खलबली क्यों मच गई? अचानक से उन्हें ये याद आ गया कि किसी के साइन है नहीं है, कूट रचित दस्तावेज है, ये सब एक मिली भगत को दर्शाता है। पहली चीज तो है कि निर्मल ग्राम पंचायत पसुन में शराबबंदी के संदर्भ में इनके द्वारा जो पत्रावली प्रस्तुत की गई थी वो पत्रावली हमारे कार्यालय को प्राप्त हुई थी और उसकी जांच करने के लिए हमें आदेशित किया गया था। मैं अभी विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले ही आया हूँ, रात ही मैंने अपने तत्कालीन आबकारी निरीक्षक और वर्तमान आबकारी निरीक्षक से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उनकी जाँच के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे। अब चूंकि मतदाता की संख्या ज़्यादा थी तो उसमें समय लगा, लेकिन हम लोगों ने इसकी जांच करके एक मोटे तौर पर एक जांच करके हम लोग प्रस्तुत कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जांच के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई है कि इस दस्तावेज जो आपके बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं और आप सब स्वयं को मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं कि इनमें कई हस्ताक्षर बिल्कुल ही कूटरचित है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पर हस्ताक्षर किए ही नहीं हैं, उन्होंने अपने लिखित में अपने दस्तावेज देकर ये कहा है कि भी हम लोगों ने इसके ऊपर या तो हस्ताक्षर नहीं किए हैं या हमसे झूठ बोलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको उसमें प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जो इन्होंने सेकेंड ज्ञापन दिया है शराबबंदी के लिए, उसमें तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जो वहाँ के निवासी ही नहीं हैं, वो कहीं कोई MD भगवंता खुर्द बोरज मकनपुरिया वासनी खटामला केलवा बीड़ा खंडोटा आदि के निवासी हैं। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, हिंदुवादी नेता उपदेश राणा उदयपुर न्यायालय में पेश हुए हैं। 2017 में हाथीपुल थाने में दर्ज एक मामले की सुनवाई और पासपोर्ट रिन्यूअल के सिलसिले में न्यायालय में पेश हुए हैं। राणा को 6 मई को अगली सुनवाई के लिए बुलाया गया है। उपदेश राणा ने कहा कि कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वह स्वीकार होगा। उपदेश राणा के कोर्ट में पहुंचने की सूचना पर कई हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोग भी कोर्ट पहुंच गए। उपदेश राणा गुरुवार उदयपुर के नॉर्थ वन कोर्ट में पेश हुए। उपदेश राणा ने कोर्ट के सामने पासपोर्ट रिन्यूअल करने की अर्जी लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में 6 मई को अगली सुनवाई निर्धारित की है। उपदेश राणा ने कहा कि कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वह स्वीकार होगा। उपदेश राणा के कोर्ट में पहुंचने की सूचना से पहले हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोग भी कोर्ट पहुंचे, तो वहीं भारी जाप्ते के साथ उपदेश राणा कोर्ट परिसर में पहुंचे और न्यायालय के सामने पासपोर्ट रिन्यूअल की अर्जी लगाई। देखिए, मैं पिछली बार भी कोर्ट के सामने पेश हुआ था और आज भी 6 तारीख अभी इसमें लगी है
आगामी जो 6 तारीख है तो जो भी डिसीजन होगा जैसा भी कोर्ट का डिसीजन वो आपको होगा। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल राडाजी चौराया। बुधवार शाम फतेह सागर में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली युवती की शिनाख्त धानमंडी निवासी किरण पारगी के रूप में हुई है। मृतिका किरण की बहन ज्योति पारगी ने बताया कि देर शाम तक वह घर नहीं लौटी तो उसने धानमंडी थाने जाकर पता किया तो उसे इस हादसे की जानकारी मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतिका की बहन ज्योति पारगी ने बताया कि पढ़ाई लिखाई के कारण कुछ समय पूर्व पूरा परिवार अपने गांव बागपुरा के मानस गांव से शहर आ गया था। वो और उसकी बहन यहां रहकर पढ़ाई के साथ ही काम भी कर रहे थे। उसकी बहन चाइल्ड केयर का काम करने के साथ ही MG कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कुछ समय से वो पढ़ाई और काम को लेकर थोड़ी मानसिक परेशान दिख रही थी। इसी परेशानी को लेकर कल वो घर में कुछ बिना बताए निकल गई। देर रात तक वह घर नहीं आई तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जहां पहुंचने पर पता चला कि वह झील में कूद गई है। पुलिस ने मृतिका के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आत्मीय का हत्या करने का मामला तो उसका यही था कि वो मतलब थोड़ी मानसिक रूप से परेशान थी, वो कमज़ोर थी, सबसे मेरे से कंपेयर करती थी कि मतलब दीदी आप अच्छे से मतलब काम कर लेते हो, मेरे को काम करने में बहुत टाइम लगता है, और ड्यूटी के लिए भी उसको ड्यूटी का थोड़ा प्रेशर बना हुआ था कि मैं ड्यूटी मुझे नाइट ड्यूटी चाहिए होती है, मैं नाइट ड्यूटी करूँगी और दिन में मतलब कॉलेज जाऊँगी ऐसा करके। तो यहाँ धान मंडी में बेबी केयर का कर रही थी तो उसको ड्यूटी चाहिए थी, मतलब चलता फिरता पेशेंट की ड्यूटी चाहिए थी तो वो ड्यूटी उसको मतलब नहीं मिली थी। वो बेबी केयर का कर रही थी और परेशान हो रही थी, मेरे को रात को सोने को नहीं मिलता है और इस वजह से मैं ड्यूटी मतलब बहुत वीकनेस हो गई और मेरे को ड्यूटी नहीं करनी। ऐसे कर 2 दिन रेस्ट करने के लिए बोला था मैम, आप रेस्ट करो घर पे, वह और 2 दिन से कॉलेज भी नहीं गई थी। हाँ पढ़ाई आर्ट्स सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रही थी और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए थे उसके, सेकंड सेमेस्टर के बाकी थे। वो उसके लिए मैंने फिर उसने मेरे को बोला कि मुझे सेकंड सेमेस्टर के मतलब फीस जमा करवानी है, तो मैंने उससे फ्रेंड से बात करी कि अभी जमा करवानी है तो मना करी, अभी तो नहीं जमा करवानी है। तो उसके बाद से वो मम्मी को उन सबको बोल रही थी, मम्मी चलो मेरे बैंक में मेरे थोड़ा कुछ बैलेंस है, वो मैं आप निकला के दे देती हूँ, मैं फिर आपके कुछ काम आएंगे ऐसे करके बोला उसने। और बहुत दिन से मतलब बोल रही थी मेरे को चलो मम्मी चलो, तो मम्मी अपने साथ ही रखा 2 दिन मतलब पूरे दिन कल उन्होंने अपने साथ ही रखा किरण कहीं चली जाएगी ऐसे करके। तो हॉस्पिटल लेके गए, मम्मी का थोड़ा सा डार्क निकला था उसकी वजह से हॉस्पिटल लेके गए और इलाज करा के अपने साथ में वापस लेके आए घर पे। घर पे लेके आए और फिर उसने मतलब 6:30 बजे तक आई होगी घर पे, 6:30 बजे के ऐसे मतलब वो घर से निकल गई। और मतलब मैं तो ड्यूटी पे थी, मैं जस्ट निकली थी ड्यूटी के लिए, फिर ड्यूटी के लिए मुझे लगा आ जाएगी इधर पास में कहीं गई, क्योंकि ऐसा अभी कभी उसने बोला नहीं था ऐसा करेगी करके, तो मुझे लगा आ जाएगी, फिर आई नहीं घर पे, वापस खोल के मम्मी आई क्या, तो मैंने मम्मी मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं आई ऐसे करके। तो जब जाके हमने फिर ये धानमंडी थाने में जाके पता किया तो उन्होंने हमको बताया कि ये मतलब यही है लड़की ऐसे करके। परिवार में मम्मी है, पापा है, ये यहाँ पे मम्मी के साथ रहते हैं यहाँ पे, और भाई है। रसिक लाल M. धारीवाल पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, होमली एनवायरमेंट, इंडिविजुअल अटेंशन, स्टूडेंट फ्रेंडली लाइब्रेरी, एयर कंडीशन्ड प्री प्राइमरी क्लासरूम्स, डिजिटल क्लासरूम्स, ह्यूज स्पेस फॉर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जैन सोसाइटी ग्रांट्स, 50% स्कॉलरशिप फॉर जैन स्टूडेंट्स, CCTV सर्वेलेंस बाय मैनेजमेंट, अफोर्डेबल एंड सेफ कन्वीनियंस फैसिलिटी अवेलेबल। रसिक लाल M. धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने के चलते 15 लोग घायल हुए हैं। हादसा भिंडर के निकटवर्ती जेतपुरा रेलवे स्टेशन पुलिया के पास हुआ। घटना बुधवार में करीब 2 बजे की बताई जा रही है। इस हादसे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते उसमें सवार 15 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय ग्रामीणों व राहगीरों की मदद से भिंडर राजकीय गुलाब सिंह शक्तावत सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद कुछ रोगियों को छुट्टी दे दी गई। हादसे की तस्वीरें बुधवार शाम की है। भिंडर के निकटवर्ती जेतपुरा रेलवे स्टेशन पुलिया के पास से गुजर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई।
जिसके चलते इसमें सवार करीब 15 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि ट्रैक्टर ट्रॉली लोगों के ऊपर नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग डोडियो का खेड़ा से चारगदिया गारियावास में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गांव पुनरु लौट रहे थे। इसी बीच रेलवे स्टेशन के पास अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित हुई और पास में खाई में जा गिरी। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े और सभी घायलों को भिंडर चिकित्सालय पहुंचाया गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना अधिकारी पुनाराम गुर्जर मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया गया। घटना में डोडिया का खेड़ा निवासी दाखी बाई, उदा गायरी, गंगा गायरी, चुन्नी बाई गायरी, इंदु नाथी गायरी, हिंता निवासी कुसिया गायरी, डोडियो का खेड़ा निवासी प्यारी गायरी, रुक्मणी गायरी, पुष्पा गायरी, चांदी गायरी, पेमा भग्गीमा का खेड़ा निवासी देवबाई गायरी, भोपा खेड़ा निवासी चुन्नी देवी गायरी, मांगी बाई घायल हुए हैं, जिसमें कईयों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एम के जेन क्लासेस, अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए एम के जेसी स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट जेई सीए सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एम के जेन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। शराब के नशे में माताजी मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ने का आरोपी गिरफ्तार। स्नातक डिग्रीधारी ने बेरोजगार होने के चलते शराब पीकर दिया वारदात को अंजाम। राजसमंद जिला आबकारी अधिकारी और पसुंद सरपंच हुए आमने सामने, शराबबंदी को लेकर एक दूसरे पर लगाए आरोप। और हिंदुवादी नेता उपदेश राणा उदयपुर न्यायालय में पेश। 2017 में हाथीपुल थाने में दर्ज मामले के साथ पासपोर्ट रिन्यूअल की लगाई अर्जी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। SMB बिल्ड मार्ट सॉल्यूशंस, मजबूत इमारत के साथ मजबूत इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ड्यूरेबल सैनिटरी पाइप्स और ब्रांडेड बाथ फिटिंग भी जरूरी है। क्रॉम्पटन के पंखे और गीजर, GM के स्विचेस और लाइट फिटिंग और कजारिया की बाथ फिटिंग होलसेल और रिटेल रेट्स पर उपलब्ध। SMB बिल्ड मार्ट सॉल्यूशंस, दिल्ली गेट पुलिस कंट्रोल रूम के पास, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।